अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज जो मैं बात करूंगा गूगल वेब मास्टर टूल के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर एक ऑप्शन था यूआरएल इंस्पेक्शन के नाम से। उसमें क्या होता था कि लाइक मैंने अगर अपनी वेबसाइट के अंदर कोई नई प्रोडक्ट ऐड करी है, कोई मैंने नई सर्विसेज ऐड करी हैं, अब जैसी कोई हम नई प्रोडक्ट या सर्विसेज वेबसाइट के अंदर हम ऐड करते हैं तो वो इंडेक्स नहीं होती। और आप लोगों को बात अच्छी तरीके से मालूम होगी कि जब तक हमारी प्रोडक्ट का यूआरएल या सर्विसेज का यूआरएल इंडेक्स नहीं होगा तो गूगल की सर्चेज में वो नहीं आएगा। अब गूगल कब उसको इंडेक्स करता है, आप समझ लें एवरेज उसको 10 डेज भी लग सकते हैं, 15 डेज भी लग सकते हैं, और मे बी पॉसिबल विद इन 24 आवर्स भी गूगल उसको इंडेक्स कर ले। लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। एवरेज आप रख लें मिनिमम 7 डेज आप रख लें, 7 to 10 डेज के अंदर गूगल आपकी वेबसाइट के नए पेजेस को इंडेक्स कर लेते हैं। अब वो क्या प्रोसीजर है कि लाइक हमने 7 to 10 डेज हमने वेट करना पड़ता है जब गूगल हमारी वेबसाइट के पेजेस को इंडेक्स कर लेता है, नए पेज को या नई प्रोडक्ट को, देन फिर वो रैंक में कहीं ना कहीं वो आना शुरू होते हैं। तो गूगल वेब मास्टर टूल के अंदर जो एक ऑप्शन था यूआरएल इंस्पेक्शन के नाम से, वो राइट नाउ टेम्प्रेरी तौर पर डिसेबल है। जिसकी वजह से अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, पहले मैं 1 महीने का काम 1 घंटे में मैं कर लिया करता था। दोबारा रिपीट करता हूँ, 1 महीने का काम 1 घंटे में मैं कर लिया करता था। लेकिन अब यूआरएल इंस्पेक्शन का जो टूल डिसेबल हुआ है, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप लोगों के पास इसका कोई रेप्लिकेट है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से हम रैपिडली अपने वेबसाइट के यूआरएल को हम इंडेक्स कर सकते हैं विद इन 24 आवर्स। इसके जो बेनिफिट है उन लोगों को बताता चलूँ कि जब हमारे यूआरएल फ़ौरन से इंडेक्स हो जाता है तो उस गूगल की रैंकिंग में कहीं ना कहीं वो आना शुरू हो जाता है। लाइक अगर लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड्स हैं तो हो सकता है वो 2nd पेज पे या 3rd पेज पर आ जाए। देन जब हमारा यूआरएल हमारी प्रोडक्ट 2nd और 3rd पेज पर आ जाती है तो उसको 1st पेज पर लाना मज़ीद आसान हो जाता है। एज़ कम्पेयर टू कि लाइक मैं पहले वेट करूँ 7 to 10 डेज मैंने वेट किया, फिर मेरा यूआरएल इंडेक्स हुआ, इंडेक्स होने के बाद वो गूगल के किसी 3rd पेज पे, 4th पेज पे या 5th पेज पर आया, फिर वहाँ से मैं उसके ऊपर ऑफ पेज की हेल्प लेते हुए मज़ीद मैं उसको 1st पेज पर मैं ले कर आऊँ। तो गूगल का जो टूल था यूआरएल इंस्पेक्शन वो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता था। तो बहरहाल ये कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी। अगर आपको इसका रेप्लिकेट के बारे में पता हो तो ज़रूर मुझे बताइए। इसके अलावा अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करवाना चाहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो कॉन्टैक्ट में फुटर में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।